नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज की समाचार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश श्री सी पाल रासू ने आज बताया कि मंडी लोकसभा क्षेत्र और फतेहपुर अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपनिर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया आज पूर्ण हो गई। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2021 तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 उम्मीदवारों में भाजपा के ब्रिगेडियर श्री कुशाल चंद ठाकुर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती प्रतिभा सिंह, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी की श्रीमती अंबिका श्याम, हिमाचल जन क्रांति पार्टी के श्री मुंशी राम ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार श्री अनिल कुमार व श्री सुभाष मोहन स्नेही शामिल है। अर्की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी श्री रतन सिंह पाल, कांग्रेस पार्टी के श्री संजय और निर्दलीय श्री जीत राम प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 प्रत्याशियों में भाजपा के श्री बलदेव ठाकुर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल जनक्रांति पार्टी के श्री पंकज कुमार दर्शी और निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. अशोक कुमार सोमल व डॉ. राजन सुशांत शामिल हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से 4 उम्मीदवारों में भाजपा की श्रीमती नीलम सराइक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री रोहित ठाकुर, निर्दलीय प्रत्याशी श्री चेतन सिंह बरागटा और श्रीमती सुमन कदम शामिल है। हिमाचल को प्राचीन काल से ही देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यदि हिमाचल को देवी देवताओं का निवास स्थान भी कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ की पहाड़ियों पर बने असंख्य प्राचीन मंदिर इस बात का प्रमाण है कि पुरातन काल से ही इस पहाड़ी राज्य में देवी देवताओं की मान्यता रही है। पूरे प्रदेश में हजारों मंदिर है जो इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। इस देवभूमि के जिला बिलासपुर में स्थित श्री नैना देवी मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसे माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सती के शव के विभिन्न अंगों से 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। स्थान पर सती के नयन गिरे थे, जिस कारण इसे श्री नैना देवी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र तीर्थ स्थान पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु वर्ष भर माता के दर्शन करने आते हैं और नवरात्रों के दौरान तो मंदिर में तीर्थयात्रियों और भक्तों का मेला सा लगा रहता है। मेरा नाम प्रज्ञा दीक्षित है, मैं ग्वालियर से आई हूँ, मध्य प्रदेश। और हम लोग नैना देवी से पहले हम लोग ज्वाला देवी, चंडी देवी, कांगड़ा, सब जगह होके आए। कांगड़ा देवी का भी बहुत अच्छा था, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, आराम से चल रहा है, दर्शन भी आराम से हो रहे हैं। जय माता दी। श्री नैना देवी में चैत्र, श्रावण और आश्विन नवरात्रों में देवी के मेले लगते हैं, जो प्रथम नवरात्रे से आरंभ होकर 10 दिन तक चलते हैं, जिनमें उत्तर भारत के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इन मेलों में श्रावण अष्टमी के मेलों की अधिक मान्यता है और लगभग 15 से 17 हजार लोग रोज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि इसमें जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं, श्रद्धालुओं को किसी तरह की सुविधा न हो, सारे इंतजाम अच्छे से कर लीजिए और डेली रिपोर्ट शाम को एसडीएम से शेयर करते हैं। वर्ष 1907 में प्रकाशित कहलूर राज्य की बंदोबस्त रिपोर्ट के अनुसार उस समय भी इन श्रावणी मेलों में 40 से 50 हजार श्रद्धालु शामिल होते थे। शिखर शैली में निर्मित ये मंदिर नैनाधार के त्रिभुजाकार शिखर पर स्थित है। मंदिर में मां नैना देवी की पत्थर की प्रतिमा है, जिसमें 2 सुंदर नयन बने हुए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के साथ भैरव, गणपति और महावीर की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के द्वार के कपाट चांदी से मढ़े हुए हैं, जिन पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर परिसर में यम द्वार निर्मित है, जिसमें एक और यम और दूसरी और यमी की प्राचीन मूर्तियां हैं। परिसर में शिखर शैली में निर्मित भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। प्रांगण में पीपल का एक विशाल पेड़ है, जिसके मूल के 3 तनों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिरूप माना जाता है। देश भर में आज दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यूं तो नवरात्रि के हर दिन का महत्व होता है, परंतु अष्टमी के दिन का महत्व विशेष माना जाता है। आज मां के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस अवसर पर प्रदेश भर के मंदिरों में रौनक लगी हुई है। मां दुर्गा की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा सकती है। हम यहाँ पे ज्वालाजी टेम्पल पे मौजूद है, जैसा रहे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, अपना माथा टेक रहे हैं और अपना आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, शांतिपूर्ण और सच्चे मन से आ रहे हैं और सारी मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं यहाँ से। हम हर साल माता तारा श्यामा काली के दर्शन करने को आते हैं। माता श्यामा काली सभी भक्तों को अपना आशीष दे और सुख समृद्धि और शांति बनाए रखे घर पे। मेरी यही प्रार्थना है कि हर साल इसी तरह से नवरात्रे संपूर्ण हो
हम हर साल यहाँ पे आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और कंजकों का पूजन करते हैं। माता के दर्शन करने के लिए बाला सुंदरी माता के, और बहुत अच्छा लगा हमको, मतलब गाइडलाइंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। और कोविड के मामले में कहें तो सब कुछ यहाँ, मतलब सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था हर चीज लगाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 580 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 86 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 493 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 35,48,234 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 33,26,932 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,20,798 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,15,829 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,257 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल डीपीआर हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।